अस्सलाम वालेकुम YouTube YouTube फैमिली, फैमिली क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक हैं, सबके सब। तो चले चले आज आज का का व्लॉग व्लॉग करते करते हैं हैं शुरू। शुरू। क्या आज क्या डेट है? 10 है और शाम की चाय पी रहे हैं हम लोग। क्या बोला तूने? और साथ में क्या नोश फरमा रहे हैं? निम्को। निम्को। और कोई काम करना है? कर दे एक काम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ रहे खुश हैं, आबाद हैं, कोई भी तकलीफ है अल्लाह पाक आपको दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। चले आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। डेट बेगम साहब ने बता दी है, पहले चाय पी लें और फिर आज पता करें डिनर का क्या प्लान है। भाई क्या प्लान है डिनर का? डिनर में भिंडी गोश्त। बच्चे तो हैं नहीं, भिंडी गोश्त बना लेते हैं। बच्चे वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोन पे बात उठी कह रहे हैं कल रहेंगे हम कल। आ जाने का उनका दिल नहीं कर रहा? क्यों मैं चलना कहीं गए नहीं ना वो। वैसे लोग अपने नाथ के घर जाते हैं, ये लोग नहीं गए। अच्छा, अभी और क्या काम करना है? एक छोटा सा काम कर दें। क्या? वो मुर्गियों को खाना डाल दें, ठीक है? और वहाँ पर जो तरपाल बांधी थी गाय भैंसों के लिए, बकरों के लिए, वो वापस शिफ्ट करें अपनी ओरिजिनल जगह पर लेके। हाँ जी, चलो बस चाय पीते, क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है ना, मोटरसाइकिलें खड़ी होनी होती है, वो भी गर्म हुई भी होती है मोटरसाइकिल में। चाय पी लेना। हाँ चले। हरी यहाँ पर मैं भिंडी गोश्त करने लगी थी, भिंडियाँ मैंने रख दी हैं फ्राई होने के लिए। तो गोश्त का कुछ इस तरह से मैंने किया कि ये हंटर बीफ हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? ये पका हुआ है सिरके में, नमक में और काली मिर्च में। तो इसी का मैंने ये किया, ले लिया पीस। इसके मैं कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़े और मसाला डाल के, तो इसमें इसको अच्छे से भून लूँगी। लेकिन बहुत अच्छा गला हुआ है, ठीक है? इसके करती हूँ मैं स्लाइसेस छोटे छोटे से और फिर मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये हमारा भिंडी गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। देखिए कैसी है ट्रिक, फटाफट तैयार हो जाएगा हमारा ये सालन। और हस्बैंड साहब को जो काम कर रहा था वो अभी तक बैठे हुए हैं मोबाइल में, काम नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं बस। गजब बेइज्जती है। ये मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं और जितनी देर तक ये भिंडी फ्राई होती है देर तक हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है? प्याज वगैरह छील लेते हैं, लहसुन छील लेते हैं फटाफट। चले। चले। सबसे पहले मुर्गियों को खाना दे दे और पानी शानी ऊपर चढ़ाना है वो देख ले, नीचे डालना है। ये छोटे छोटे काम कर लें। अच्छा, सुनते रहो, काम कर लो बस, है ना? ये मैंने डाल दिया खाना और ये देखें कैसे खा रही है। ये दो जगह से, एक जगह से निकल गया है और तीन जगह से इसको निकालते हैं इसको, और फिर आपसे मिलते हैं। ये तरपाल हमने उतारनी है तो चले उतारते हैं। हस्बैंड साहब से ही ले आए हैं, एक रस्सी यहाँ पर है। यहाँ से खुलेगी एक रस्सी, गंजी हो रही है, गंजी हो रही है। एक वाइट मुर्गी टेंड हो गई है। हाँ, टेंड हो गई उसकी। हाँ, बाकी में इसकी टेंड हो गई।
एक रस्सी खुल गई है। वाह, थैंक। मिल गई कि रस्सियाँ ही नहीं, ये लास्ट है, बस फिर चलते हैं और ऊपर मिलते हैं। ऊपर है, ऊपर मिलते हैं ऊपर। हाँ, वो डब्बा लेकर आओ ना, वो खाने वाला है। नहीं फिर भूल जाएंगे, मैं ले आती। चले आप पहुँचाए और मोटर बंद करनी। चले जी, मुर्गियों ने खा लिया है खाना। खाओ खाओ खाओ। ऑन करो। हो गई है। लाओ नहीं ठीक बना लो। नीचे जाऊं फिर जाए वो बनाए। नहीं वो हर ज्यादा कैमरे ही लाएगी, सुलेमान बहुत लाता है कैमरा। अब चलते हैं नीचे, ऊपर दो मैंने बांध दिए हैं, अब चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ बांधते हैं और मिलते हैं आपको ब्रेक के। ये हंटर व्यू, हंटर व्यू फॉर भिंडी, भिंडी बोनलेस, भिंडी बोनलेस गोश्त। भिंडी गोश्त वैसे बहुत मज़े का बनता है, इसमें हड्डियाँ ना होंगी गोश्त बोनलेस। तो कैसा बना? अरे मज़ेदार, मज़ा आ गया। इसमें हंटर बीफ का जो घी सा था निकला, काफ़ी मसाला मसूला वो भी डाला, तो जायका अच्छा आ रहा है। बहुत मज़े। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।